ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो, एक रेलगाड़ी दी हुई है आपको, एक रेलगाड़ी दी हुई है, उसकी चाल आपको दे रखी है कितनी। ये एक ए बी रेलगाड़ी है, ध्यान से सुने आप, एक ये ए बी रेलगाड़ी है और इस ए बी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी क्या है, इसकी रेलगाड़ी की चाल है। और एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है, एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो किसको पार कर रही है रेलगाड़ी, एक पुल को पार कर रही है। इस पुल को मान लिया मैंने क्या है, सीडी, ठीक है, इस पुल को मैंने मान लिया सीडी। कितने सेकंड में पार कर रही है, टाइम है इसका 36 सेकंड में पार कर रही है इस पुल को। तो इसको 5/18 से मैं गुणा कर रहा हूं, तो 18×5=90 आ गया, 25 मीटर पर सेकंड क्या आ गई इसकी चाल आ गई, 25 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। तो आप मुझे ये बताओ पहले कि क्या निकालनी, इसकी दूरी आ जाएगी क्या, बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस किसकी, रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की डिस्टेंस आप ध्यान से देखो कि कितनी आनी चाहिए, आप बताओ। अगर मैं इसकी एक्स मान लू, मान लो, और इसकी क्या मान लू मैं, वाई मान लू, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस आ जाएगी, वाई आ जाएगी। और डिस्टेंस क्या होती है, चाल गुणा में समय होती है ना, चाल कितनी है 25 और समय कितना है, तो 25×150 को 0 हासिल, 15 25 75 15 कितने हो गए, 90 हो गए ना। तो इन दोनों की लंबाई कितनी हो गई, कितनी हो गई, 900 मीटर में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, कितनी मीटर छोटी है, छोटी है, इसका मतलब ये अगर 50 है ना तो ये कितनी है, अगर ये 50 है तो ये कितनी, अगर ये 150 है तो ये कितनी है, 50 मीटर ही है। एक दूसरी रेलगाड़ी मैंने मान ली कि एक रेलगाड़ी क्या है, डीई रेलगाड़ी है, और ये कितनी है बताओ, एक्स माइनस 100 मीटर लंबी है, और वो किसको पार कर रही है, एक पुल को पार कर रही है। तो कितने सेकंड में पार कर रही है, किस से पार कर रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार कर रही है। तो इसकी जो चाल है ना वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसको हम किसे बदलेंगे, 45 गुणा में 5/18, 5/18 3 से काटो, तिछिंग 18 और 15 से 45, 75/ में कितना जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 25/ में कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, और मीटर, मीटर पर क्या जाएगा, सेकंड आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, हाँ या ना, 25/ तो मीटर पर सेकंड आ गए। अब मुझे ये बताओ कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है टोटल, बताओ इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है टोटल। देखो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल कितनी है 25/2 और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है बताओ, एक्स माइनस 100 तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का 100 और बता में क्या है,
टाइम आ जाएगा ना, और x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है ना कितनी है यहां पर, 900 में से आप 100 घटा देंगे, ठीक है, बटा में कितना बच जाएगा t, और 25 बटा में 2 आ जाएगा, तो 900 में से 100 गए 800, तो 25 बटा 2 और 800 बटा में ध्यान नहीं है तुम्हारा, 25 से काटो, 25 दुनी 50 और 25 किया 75, 5 25 दुनी 50, 32 दुनी 64, 64 क्या जाएगा सेकंड। हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही पूछा है किसका आंसर क्या आना चाहिए, मतलब कि कितना समय लगेगा, तो बताओ 64 सेकंड लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे, लग जाएंगे ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर अब भी नहीं आया तो मैं एक बार आपको इसको दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। एक रेल, दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों ही बार बार पुल को पार कर रही हैं। हमने इस पुल की लंबाई मान रखी है वाई और इसकी लंबाई मान रखी है एक्स। जब ये गाड़ी ए रेलगाड़ी, ए बी रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी, इस वाले को पार कर रही है इसको सी डी को, तो इसमें आपको चाल दे रखी है, चाल को 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और समय दे रखा है 36, तो डी आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इसकी भी लंबाई नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, तो कितनी आ गई इसकी लंबाई, 900 जाएगी नहीं जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय से। और जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को पार करती है ना, तो उसकी कुल लंबाई ली जाती है, सुरंग की भी उसमें ऐड हो जाती है। लेकिन कोई रेलगाड़ी एक पेड़ को, मीनार को, व्यक्ति को अगर पार करती है तो केवल रेलगाड़ी की लंबाई ली जाती है। बात आ गई समझ में नहीं आई, तो ये एक्स प्लस वाई का मान 900 आ गया। अब एक दूसरी रेलगाड़ी है, ये अगर 200 मीटर लंबी है तो 100 मीटर लंबी है, तो मतलब कि 100 कम हो जाएगी ना, ये इसको पार, ये रेलगाड़ी अब इसको पार करेगी, तो मतलब कि दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई माइनस 100, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 900 रख दो बस, उसके बाद आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। एक समान चाल से चल रही है, क्या चल रही है, एक रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, और समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में। अब ये बताओ मुझे आप कि एक ये रेलगाड़ी है, क्या है ये रेलगाड़ी, ये भी एक रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की आपको लंबाई पता है क्या, नहीं पता, किसको पार कर रही है, कितने मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 162 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, इसको ये पार कर रही है, ठीक है, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसको, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, और रेलगाड़ी के बाद आगे प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद कितने सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में पार कर रही है। इतना लिखने के बाद अगली लाइन क्या है, एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रही है, मतलब एक और प्लेटफॉर्म है, एक आगे और प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है कौन सा, डीई प्लेटफॉर्म है, इसका, इसकी लंबाई कितनी, 100, इसको किस सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, देखो क्वेश्चन क्या है, जब ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी ना प्लेटफॉर्म को, तो कुल दूरी जुड़ जाएगी ना, 162 बटा में एक्स, सॉरी 162 प्लस में एक्स, और दूरी है और समय क्या है 18 सेकंड, फिर दूसरे से उसको पार कर रही है एक्स प्लस 120, और कितने सेकंड में पार कर रही है, बस पूछा क्या है, एक्स का मान पूछा है किसमें, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यही पूछिए, लेकिन चाल पूछिए, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पूछिए, चाल, तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी तो चाल ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, 3 से काटो, 18, 3 से काटो, 3 5 15, नीचे वाला नीचे से कट सकता है, और बटा का 6 दोनों से गुणा हो जाएगा, 6 को x से गुणा करेंगे 6x, और 6 को इससे करेंगे 120 से, तो 720। अब 5 इस 5 से इसको गुणा करेंगे 5x, और 5 को 162 से करेंगे तो कितना जाएगा 810, यही आ जाएगा ना, अरे भाई यही आ जाएगा ना, ठीक है, 6x में से 5x इधर को जाएंगे तो x बचेगा खाली, और 720 810 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे,
720, 80, 90 बचेंगे ना। अरे 720 और 90 8 से 10 ही होते हैं ना, तो 90 क्या जाएगी मीटर, इसकी किसकी लंबाई आ गई, किसकी आ गई, रेल की आ गई। रेलगाड़ी की चाल कितनी है देखो, रेलगाड़ी की चाल क्या, रेलगाड़ी की चाल कुल दूरी बटा में कुल समय, तो दूरी कितनी है 162 प्लस x का मान कितना है 90 और बटा में कितना है 18, 18 किससे काटो, 18 नम्मा 162 और इसको 18 से काटो, 18 5 90, 9 और 5 14, 14 यह जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ये दोनों मीटर पर सेकंड में है, ये समय सेकंड में है, तो मतलब कि जो इसकी चाल आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, तो 5/18 से क्या कर देंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 14 को 18 से गुणा करना है, ठीक है, 78 का 2 हासिल 7, 18 × 18 = 25 और इसका भाग देंगे 5 में 5 का इसमें 5 × 25, 2 में भाग ज्यादा नहीं इसलिए 0, फिर पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, 5 × 20 किलोमीटर प्रति क्या जाएगा घंटा, तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ठीक है। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, तो देखो एक रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान ली, x मीटर मान ली, ए भी एक रेलगाड़ी है और ये कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कितने सेकंड में पार कर रही है, 17 सेकंड में पार कर रही है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस 122 बटा में 17, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यही रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, 210 मीटर लंबे पुल को, ये डी पुल मान लो आप, कितने सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में, सेम सवाल है बिल्कुल, तो कुल दूरी कितनी है, x प्लस में 210 बटा में क्या जाएगा 25, कुछ नहीं करना, 25 को x से गुणा कर दो विपरीत, 25x वज्र गुणा करना है, इसको भी इसको भी, 25x 25 को 100 से करेंगे 2500, 25 को 20 से करेंगे 500, तो 3050 जाए गए, ठीक है। गुणा करने का मतलब समझ में आया कैसे करना है, अरे आगे कि नहीं आगे बताओ, यही आएगा ना, 25 को 100 से गुणा करेंगे 2500, 25 को 20 से करेंगे कितना जाएगा 3050 × 50, 25 × 50 का 0 हासिल 5, 25 × 50 = 55 का 5 हासिल 5, 25 × 25 = 30, समझ में आ गए, बराबर 17 को x से गुणा करेंगे 17x, 17 को 200 से गुणा करो 3400, 17 को 10 से गुणा करो 170 कितना जाएगा 3570, समझ में आया मैंने कैसे गुणा किया आपको, अरे 17 को 200 से गुणा करो 17 को x से करें 17x, 17 को 200 से गुणा करो 1701 आ गया, फिर 17 को 10 से गुणा करेंगे 171 आ गया, तो 3400 और 170 3570 आ गया ना, समझ में आया ना मैंने कैसे गुणा किया है। आगे देखो 25x में से 17x घटाओ कितना बचेगा 8x, 3500 में से 3000 घटाओ कितना बचेगा 500, 70 में से 50 घटाओ कितना बचेगा कितना जाएगा 520, 4 से काटो 4 × 2 = 8, 4 से काटो 4 × 1 = 4 = 3, 4 × 32 0 क्लियर आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, 48 × 48 = 48 क्या गलत कर रहा, 4 × 4 = 12, तो x का मान कितना जाएगा 65 आ जाएगा ना, ठीक है 65 क्या आ जाएगा किसमें आ गए 65 मीटर प्रति सेकंड आ गई, क्या पूछी रेलगाड़ी की चाल, पूछी रेलगाड़ी की चाल के लिए क्या करेंगे,
रेलगाड़ी की चाल के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? देखो चाल क्या होता है, यही होता है ना x प्लस, ये क्या आ गई बताओ, x क्या है, ये क्या है x, ये रेलगाड़ी की दूरी आई है। ठीक है, नशे में हो ना तुम, हो ना नशे में, हो नशे में। x की वैल्यू कितनी है, 65 प्लस में 122 और बटा में 17 और कितना जाएगा, 5 और 7 12 से 18 187 बटा में 17। ठीक है, 17 एकम 17 फिर 17 एकम 17 क्या करेंगे, 18 बटा 5 से गुणाई करेंगे ना, 18 एकम 18 का 8 हासिल 1, 18 18 एक 19, 5 198 बटा 5, 5 से काटो, 5 से 15 4 वनम 45 3 पंचिंग 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं तो ध्यान से समझो, एक रेलगाड़ी दे रखी है आपको और एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है बताओ, ए बी एक रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 240। ये एक खंबे को पार कर रही है, ये एक खंबा मान लो, यहां पर मैंने एक खंबा मान लिया इस तरीके से, ठीक है, मैंने एक खंबा मान लिया, इस खंबे को ये पार कर रही है। ठीक है, इस खंबे को अगर ये पार करेगी ना तो इसकी लंबाई को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं पहली बार, लेकिन कितने सेकंड में पार कर रही है हमें ये भी नहीं दे रखा, हम मान लेते हैं कि एक सेकंड में इसको पार कर रही है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है, 240 ली जाएगी इसकी तो काउंट की नहीं जाएगी, और बटा में समय कितना है, एक सेकंड। अब की बात क्या है कि यही रेलगाड़ी दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, मतलब कि 240 का डबल मतलब 480 को इससे कितने सेकंड में, 40 सेकंड ज्यादा में पार कर रही, बस कुछ नहीं, और कुल दूरी क्या आ जाएगी बताओ, 480 तो ये और 240 ये, तो 400, 600, 720 जाएगी ना भाई, दोनों लंबाई ली जाएंगे ना, तो रेलगाड़ी के दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को और सिंगल लंबाई इसकी भी ऐड होगी तो 720 हो जाएगी ना। ठीक है, लंबाई तो कुल ये हो गई, दूरी ये हो गई, कुल समय कितना है, अरे x प्लस 40। ठीक है, 720 को इससे x से गुणा करेंगे 720x और 240 को x से गुणा करेंगे 240x और 40 को इससे करेंगे किससे, 24 से, 24 से 96 सौ आ जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद देखो 720 में 240 घटाएंगे कितना बचेंगे, 480x। ठीक है, और 9600 और 48 दूनी कितना होता है, 0 0 कट गए, 48 दूनी 96 20, एक्स का मान कितना जाएगा, 20 सेकंड आ जाएगा। किसकी लंबाई पूछिए, किसकी चाल पूछिए, रेलगाड़ी की चाल क्या है, 240 तो लंबाई है और एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 12 और 12 को किससे गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में, 18 बटा 5 से गुणा कर सकते हैं क्या बताओ, 18 बटा 5 से गुणा कर सकते हैं ना, 5 से काटो, 36 का 6 हासिल 3, 18 का 18 और 3 21, बताओ 5 का भाग, 5 चौक 20, 1 5 से 15, 5 दून 10, 5 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या जाएगा, हाँ चाल मीटर पर अगर सेकंड में है तो 12 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में आपको चाल दे रखी है तो किसका आ जाएगा आंसर, क्या जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी स्पीड आ गई किसकी, रेलगाड़ी की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, परस्पर मिलने के बाद, मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, तो इसका मतलब कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, तो
तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो, दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी तो क्या है एबी है, एक रेलगाड़ी क्या है एबी, प्रत्येक की लंबाई दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 210 मीटर लंबी है ये रेलगाड़ी, एक तो आगे 210 मीटर लंबी, और दूसरी रेलगाड़ी क्या है बीसी, बीसी रेलगाड़ी है, इसकी भी लंबाई कितनी है 210 मीटर लंबी है, मीटर में दे रखी है, ठीक है। अब खड़ी कौन सी है, ए बी वाली खड़ी, देखो इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर, ये तो खड़ी मान लो आप इसको स्टॉप मान लो, और ये क्या है चल रही गतिमान है, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं काइनेटिक है ना, गति होगी मतलब इसमें, ठीक है ये खड़ी है ये गति में है। उसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है, दूसरी इस गाड़ी की और, दूसरी इस गाड़ी की और, मतलब दूसरी इस गाड़ी की और, समझ में आ रहा है मतलब की और मतलब आमने सामने सारी की और समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, मतलब कि ये तो खड़ी है तो इसकी चाल तो होगी नहीं, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये आ रही है, कौन सी वाली दूसरी वाली बीसी रेलगाड़ी जो है। अब आगे क्या कह रही है, परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, जब भी गाड़ियां एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो कुल दूरी हो जाती है, तो कुल दूरी कितनी बताओ, कुल दूरी और बटा में कुल समय और क्या जाएगा, और क्या जाएगा चाल, तो कुल चाल कितनी बताओ 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा करेंगे क्या, बराबर में कुल दूरी कितनी है प्लस में 210 बटा में समय, बटा में क्या है समय, देखो 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 24, 14 × 70 / 3 और 210 और 210 कितने हो गए 420 बटा में कितना समय, ठीक है 0 से 0 सच्चिंग 42 6 × 3 = 18 टाइम कितना जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, करते हैं इसका हमको सॉल्यूशन। देखो दो रेलगाड़ियां दे रखी हैं, दो रेलगाड़ियां हैं, एक तो रेलगाड़ी ए बी मान लिया आपने, क्या मान ली, चाहे इसको ए ही रेलगाड़ी मान लो, ये इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी क्या है इधर जा रही है, इस रेलगाड़ी को ए मान लो, इसको आप बी मान लो, क्योंकि कह रहा है बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, तो बी पार करेगी ए को, ये चोर है ये पुलिस है, पुलिस पार करेगी ना इसको चोर को, तो इसकी चाल कितनी है, प्रत्येक की रेलगाड़ी की चाल देखो, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति, इसकी 60 है और इसकी चाल कितनी है, देखो एक बार इसकी चाल कितनी है 72, क्यों ऐसा हम इसको 72 क्यों ले रहे हैं पता है, पता लग रहा है ना क्यों ले रहे हैं, पकड़ पाएगी, तो इनकी जो चाल का डिफरेंस होगा ना वो कितना होगा बताओ, 72 - 60 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 72 को 12 को किससे बदल सकते हैं 5/18 से 12.60/18, इसका मतलब 6 × 3 = 18, 6 × 7 10/3 का मतलब 3 = 1/3 मीटर पर सेकंड इसकी क्या जाएगी चाल आ जाएगी, ठीक है तो 10/3 क्या है मीटर पर सेकंड है, समझ में आ गया ना। उसके बाद आगे देखो इसमें इन दोनों की चाल कितनी दे रखी है, दोनों की दूरी कितनी दे रखी है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 240 मीटर है, क्या है 240 मीटर है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, तो देखो रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की दूरी कितनी है
और ये इसकी दूरी, दोनों दूरी जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे बताओ, हाँ या ना बताओ। अगर हम बात करें इसकी 240 की, इसकी 72 की, तो इसकी चाल कितनी आ सकती है अगर हम निकाले तो? इसकी चाल कितनी है? 72, और इसकी सॉरी इसकी दूरी कितनी है? 240। इसकी दूरी कितनी है और इसकी चाल कितनी है? तो समय निकाल सकते हैं क्या बताओ? तो देखो एक बार, 72 और कुछ छोट लिखा था ना यहां पर, देखो इसकी चाल कितनी आ गई, 3 × 1/3 मीटर पर सेकंड, और इनकी कुल दूरी कितनी जाएगी? कुल दूरी 240 + 240 यह जाएगा 480 मीटर। और क्या पूछा है? समय पूछा है ना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। दूरी है चाल कितनी है? 10/3, बटा का 3 कहाँ जाएगा? यहीं आएगा, इस 0 से 1 कट जाएगा, बटा का 3 ऊपर आ जाएगा ना, 10/3 है ना, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 24 = 4 हासिल कितना है? 2 × 14 144 सेकंड आ जाएगा। 144 सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट और 24 सेकंड, 2 मिनट और 24 सेकंड इसका राइट आंसर है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।